नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। तो आज के सत्र में भी बाजार ने लगा दिया गोता, जबरदस्त चपत लग गई और जो भी ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट थे कि बाजार संभल जाएगा इन लेवल्स पे, ओवरडन हो गई है, बिकवाली ओवरसोल्ड रीजन से पलटेंगे, गलत साबित हुए। ठीक अक्टूबर एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजार पे आज जबरदस्त डेंट पड़ गया। अच्छा, शुरुआत तो ठीक थी क्योंकि एशिया बाजारों के संकेत ठीक थे, अमेरिकन मार्केट हरे निशान में क्लोजिंग देखे गए थे, हम छुट्टी के बाद लौट रहे थे, गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे 45 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, ठीक था मूड माहौल। 19286 के लेवल पे ओपन हुए, 19347 तक पहुंचे थे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड। 11 बजे बाजार को पता लगा कि भैया 19347 छोड़ो, टूटते टूटते 19200 का लेवल भी टूट रहा है आज। 19230 19200 का लेवल निकालने का मतलब अगस्त के लोस टूटेंगे आज, तो उसके बाद तो ये 11 से पौने 12 का जो समय था राहु काल साबित हो गया, बहुत ही तगड़ी बिकवाली हो गई इंडियन मार्केट पे और सीधा 19074 के लेवल पे टकराए जाके, आज के दिन का लो है 19074, क्लोजिंग हुई है 19122 के लेवल की, 159 पॉइंट्स गवा दिया निफ्टी ने आज भी। निफ्टी बैंक 319 पॉइंट्स गिरकर 42832 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 522 अंक गिरकर 64049 के लेवल पे बंद हुआ। तो लालम लाल थी स्क्रीन, भैया कहीं छुपने की जगह नहीं है इस समय, इस समय बाजार पे बिकवाली हावी है। 40 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। जो चढ़ा उसमें था टाटा स्टील, अच्छा ये शुरुआती सत्र में चढ़ गया था, उसके बाद स्टेबल रहा। कोल इंडिया लेटर हाफ में पिकअप कर रहा था, इसके अलावा हिंडालको, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई में हरा निशान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंडालको का स्ट्रक्चर देखो आप आज के दिन का, शुरुआत में तेज था फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है स्टॉक में। निफ्टी लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स 2.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 2% नीचे, एसबीआई लाइफ, सिप्ला, आयशर मोटर्स 0.25% से 2% का डेंट। एफएनओ गेनर्स में डेल्टा कॉर्प, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच ने इनको थोड़ी राहत दे दी है, जो इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रखी है उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि अभी इसको थोड़ा रोको, अभी जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता, अदालत की अनुमति के बगैर इस पे इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बैठेगी अभी, तो उसके चलते 3.5% के आसपास की तेजी यहां पर स्टॉक पे जरूर देखने को मिली थी, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है स्क्रीन बता रही है। टॉरेंट फार्मा नतीजों के चलते चल गया 2.25% के आसपास, नालको, आईजीएल, JSPL, इन स्टॉक्स में हल्की तेजी बैठी, लेकिन जो गिरने वाले थे एक तो उनकी संख्या ज्यादा, ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से डेंट ज्यादा, तो उसमें श्रीराम फाइनेंस 3.5% टूट गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% नीचे, PFC 3% गया आज। इन्फोसिस ने बाजार पे आज जो डेंट लगाया है 3.5% का गोता लग गया, मेट्रोपोलिस 2.5% नीचे बंद हुआ। मिड कैप गेनर्स में वेल्सपन इंडिया लेटर हाफ में जबरदस्त चमका है ये स्टॉक, नतीजों के बाद तेजी हो गई बहुत जबरदस्त और गिरते बाजार में डबल डिजिट रिटर्न है 11.5% के। बजाज कंज्यूमर 10% चढ़ गया, एस्ट्रे डीएम 9% चढ़ गया, न्यूजेन 7.5% ऊपर था, अंबर में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने हिस्सा खरीदा थोड़ा सा और 7% ये चढ़ गया, सीक्वेंट 5% से ज्यादा चढ़ा है। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में बहुत लंबी सूची है लेकिन प्रोमिनेंट नाम बता देता हूं, बेक्टर फूड 8% नीचे, जुबिलेंट फार्मोवा लगभग 8% टूटा है, सफारी इंडस्ट्रीज 6.5% नीचे, टीम लीज 6% नीचे, डेटा पैटर्न 6% नीचे, तानला 6% नीचे, अच्छे बुरे सब स्टॉक्स मिड कैप साफ हो गए हैं पोर्टफोलियो में। तो इस समय बाजार पे सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि छोटे मझोले शेयर्स बहुत बुरी पिटाई हो रही है और रिटेल ट्रेडर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास छोटे मझोले शेयर्स ज्यादा संख्या में होते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक जो चढ़ा उसमें था मेटल्स, मेटल्स में कुछ शुगर स्टॉक्स में हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिल रही थी, मेटल्स में नालको, JSPL, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, NMDC, वेदांता, हिंडालको को आप हरे निशान में पाओगे आज। सरकारी बैंक्स में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़े, IOB 0.5% ऊपर था, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.3% चढ़ गए, सेंट्रल बैंक, PSB, SBI जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी, लेकिन गिरने वाले भी दिखाई देंगे आपको इस इंडेक्स में। प्राइवेट बैंक्स का दिन नहीं था ठीक, आज यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही थी, RBL बैंक 2% नीचे गया, ICICI बैंक 1.25% नीचे गया, ICICI बैंक ने क्रूशियल लेवल तोड़ा आज। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक ये सब स्टॉक्स नीचे थे 1% से 1.25% नीचे। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में गिरावट थी, एक्सिस बैंक के नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है स्टॉक कल। फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन खराब था, श्रीराम फाइनेंस सबसे ज्यादा टूटा है 3.25%, PFC, SBI लाइफ 2% 2.5% टूटे, चोला फाइनेंस, REC लिमिटेड, IEX, ICICI जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस ये सब स्टॉक्स लाल निशान में 1.5% के आसपास टूटे। रियल्टी स्टॉक्स में भी लोधा 3.5% टूटा, गोदरेज प्रॉपर्टीज 3% लुढ़क गया, शोभा, ओबरो रियल्टी, DLF जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए और हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी आज पिटाई हो रही थी जिसमें मेट्रोपोलिस 3%, लालपात लैब्स 3%, अपोलो हॉस्पिटल 2.5% टूटा है। ल्यूपिन, सिप्ला, अरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, एक IPO खुला है आज से, ब्लूजेट हेल्थ केयर का IPO,
और आज से 27 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 329 से 346 रुपए प्रति शेयर। पहले दिन 0.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 840.27 करोड़ रुपए का इशू है, लेकिन ये पूरा का पूरा OFS है, यानी कि मौजूदा निवेशक जो है वो स्टेक हल्का कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए फिलहाल तो बाजार पे बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है तगड़ी, तो कोई भी पुल बैक होगा तो पिटाई होगी, समझने में टाइम लगेगा क्योंकि ये अचानक से बिकवाली आई और वो भी फेस्टिव सीजन में। ऐसा नहीं होता है कि इंडियन मार्केट्स दिवाली से पहले इतना जबरदस्त गोता लगा जाए, लेकिन ये भैया है बाजार, चौंका देता है, इस बार भी चौंका दिया और दिवाली से पहले बिकवाली जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। 19230 का स्तर आज जैसे ही गया, यानी कि अगस्त के लोज जैसे ही टूटे वैसे बिकवाली और हावी हो गई। अब जब तक ये लेवल रिकॉन्कर नहीं होते तो कुछ नहीं किया जा सकता। निफ्टी दो दिनों से 100 दिनों की औसत के नीचे हो रहा बंद, बैंक निफ्टी की हालत और टाइट है, वो तो 200 दिनों की औसत के नीचे हो रहा है बंद, तो ये कमज़ोर कड़ी है। ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स खास तौर से निजी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं वो कमज़ोर हैं, किसी भी उछाल में बिकवाली होगी। कल अक्टूबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, आमतौर पर एक रेंज प्ले होता है, लेकिन इस समय फोर्स सेलर्स का ज़्यादा है। आप अगर ऑप्शंस के आंकड़े भी देखोगे तो 19200 इन कॉल्स में जमकर बिकवाली हो रही है, तो वो ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखोगे तो एक ही दिन में करोड़ करोड़ शेयर्स खड़े हो गए, यानी कि कॉन्फिडेंस पूरा है कि भैया नहीं जाने देंगे ऊपर। अच्छा फिर नीचे क्या, अगर ये गोता लग गया, अगर मैं कह रहा हूँ ऊपर 19200 19300 के आसपास बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हो रही है, तो नीचे कहाँ तक लुढ़क सकते हैं? देखो 19200 के लेवल के नीचे गए ना, तो दायरे तो अब बहुत नीचे के खुल गए। 18800 18700 ये लेवल्स हैं जिनको ट्रेडर्स बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास 200 दिनों की औसत भी टकराएगी और मल्टीपल हाइज भी बने हुए हैं, यानी कि अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो 18800 18700 के लेवल्स के आसपास आके बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठता है मार्केट का। अब देखते हैं वहां तक जाते हैं कि नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर तो बता रहा है कि जाएंगे, चाहे उछाल आ जाएगा वहां से जाएंगे या फिर ऐसे ही धड़ल्ले से टूटते जाएंगे, इन लेवल्स को टेस्ट करना भी जरूरी है। तो देखते हैं बाजार अभी क्या करता है, बच जाए तो बहुत बढ़िया, यहीं से आ जाए बाउंस बैक। हम तो कह रहे हैं कि दिवाली से पहले एकदम से शॉर्ट कवरिंग आए और बाजार चलने लग जाए तो करिश्मा ही हो जाए, लेकिन अभी सेंटिमेंट के हिसाब से और जिस तरीके का इसमें स्क्रीन बता रही है उस हिसाब से नेगेटिव प्ले ज़्यादा हो रहा है, तो कॉशियस रहिए, पोजीशंस थोड़ी हल्की रखिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, बाजार पे 200-250 पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं होते और एकदम से अगर खरीदारी आएगी तो फिर ट्रेडर्स लपक लेंगे अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को। कल US में Q3 GDP के आंकड़े भी आने हैं, उनको भी क्लोजली वॉच करेंगे, तो अभी के हिसाब से आप ये समझो कि बाजार में जिस तरीके का झटका लगाया ना 19,000 के आसपास, 19,000 18,980 इन लेवल्स के आसपास आके बाजार एक बार संभलने की कोशिश करेगा, नहीं संभले तो वहां से फिर 18,800 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पोजीशंस लाइट रखिए, रिटेल ट्रेडर्स आमतौर पर खरीद के चलते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास बेचने का मौका होता है, उनके पास फाइनेंशियल मसल है, वो डेरिवेटिव्स में नेगेटिव प्ले कर सकते हैं, रिटेल ट्रेडर्स नहीं करते हैं डेरिवेटिव्स में नेगेटिव प्ले, और जब कमजोरी बढ़ती है तो रिटेल ट्रेडर्स अपने आप को फंसा पैसा महसूस करते हैं, तो फिर इसमें फंसा हुआ ही है मार्केट, लेकिन अगर कोई भी सपोर्ट जोन के आसपास संभलने की कोशिश करेंगे तो आपके पोर्टफोलियोज में फिर से रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बाजार पर रिटर्न की एक बहुत ही अच्छी कुंजी है, अगर आप नियमित निवेश करोगे अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में तो ये फेज भी निकल जाएगा, फिलहाल ट्रेंड जो है मार्केट का डाउन। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।